हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर इवनीत सो टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कंपनी लॉ का एक टॉपिक है और आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चैप्टर के अंदर मिल जाएगा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो जो डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से लेकिन जो ये डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी से कैसे ये देखो द डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन और लिमिटेशन टू द डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये उसकी एक लिमिटेशन है डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वेयर एज द डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर ये मैंने अभी आपको बताया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो प्रोटेक्ट करता है कंपनी को किससे आउटसाइडर से बट जो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो हम आज करेंगे इट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी इन द सेम मैनर ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट देखो कैसे

करके आता है ये प्रिज्यूम ये मान के आता है कि जो भी कंपनी के अंदर की इंटरनल प्रोसीडिंग्स रही होंगी वो कंपनी ने उनको अच्छे से फॉलो किया होगा ठीक है तो ये जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस है इसी प्रोजम्पन पे बेस है द आउटसाइडर्स कैन ऑल्सो प्रिज्यूम दैट द कंपनी मस्ट हैव फॉलोड द प्रोसीडिंग विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाई द कंपनी एज पर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी सपोज अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ डील करना चाहता है और वो कंपनी के साथ डील करने आया है तो वो ये एजम्पन करता है वो ये मान के आता है कि कंपनी ने वो सारी प्रोसीडिंग्स पूरी की होगी जो कि उसे पूरी करनी चाहिए थी उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ठीक है द डोर ऑफ मैनेजमेंट आर क्लोज फॉर द आउटसाइडर्स तो इन प्रोसीडिंग्स के लिए जो मैनेजमेंट के डोर्स है मतलब जो दरवाजे हैं, वो आउटसाइडर्स के लिए बंद है इसलिए हम इसे कहते हैं डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ठीक है इसलिए इस डॉक्ट्रिन का नाम ये पड़ा ठीक है तो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है कि जो भी आउटसाइडर आता है कंपनी के साथ डील करने के लिए वो ये मान के आता है कि कंपनी की जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि अंदर के जो कंपनी के काम हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं और कंपनी ने उन्हें अच्छे से फॉलो किया गया होगा जो कि उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है ठीक है तो उसे हर चीज आके इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो ये मान के चलता है कि कंपनी ने अपनी सारी इंटरनल प्रोसीडिंग्स अच्छे से फॉलो की होगी ठीक है अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कई बार इस केस के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेज टर्कोइंट ठीक है ये केस है ये मैं आपको पहले साथ साथ समझाते रहती हूँ द डायरेक्टर्स ऑफ ए रॉयल ब्रिटिश बैंक हैड है पावर्स अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू इश्यू द बॉन्ड्स प्रोवाइडेड दे वर ऑथोराइज बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी एक बैंक था जिसका नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक ठीक है उसके डायरेक्टर्स के पास पावर थी किसके किसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उनके पास पावर थी कि वो बैंक के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ तभी बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा है उसके रिगार्डिंग किसमें जनरल मीटिंग में जो कि शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होती है उसमें रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं लोगों को अब द डायरेक्टर a बॉन्ड टू मिस्टर टर्कोइंट To डायरेक्टर्स ने क्या करा मिस्टर को बॉन्ड इशू कर दिया बट बिफोर द बॉन्ड वॉज issued, लेकिन बॉन्ड के इशू होने से पहले कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ नो रेजोल्यूशन वॉज passed बाय द कंपनी ऑथोराइजिंग द डायरेक्टर्स टू डू सो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया जो कि उनको करना चाहिए था आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग तो मेच्योरिटी में क्या हुआ ऑन मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स द कंपनी रिफ्यूज टू रिडीम द बॉन्ड जैसे ही बॉन्ड की मच्योरिटी डेट आई तो मिस्टर टर्कवेंट ने अपने पैसे मांगे ठीक है जो बॉन्ड के उन्होंने कहा कि मेरे बॉन्ड को रिडीम करो मुझे पेमेंट वापस करो तो कंपनी ने क्या करा रिफ्यूज कर दिया मना कर दिया उनको बॉन्ड रिडीम करने के लिए इट वाज हेल्ड दैट टर्कवेंट हैड अ राइट टू रिसीव द मनी तो ये डिसीजन लिया गया कि मिस्टर टर्कवेंट को पूरा हक है अपनी मनी रिसीव करने का

बिकॉज इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ द कंपनी फॉर विच द डोर्स ऑफ द कंपनी आर क्लोज फॉर द आउटसाइडर्स ठीक है तो उसने ये प्ली ली कि ये एक कंपनी का इंटरनल मैटर था तो मैंने यही मान की बॉन्ड्स खरीदे कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया ही होगा तभी तो कंपनी बॉन्ड्स इश्यू कर रही है ठीक है तो उस केस में फिर यह डिसाइड हुआ कि मिस्टर टर्कोइंट को पेमेंट मिली रिडीम हुई तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो जो उसका बेनिफिट मिस्टर टर्कवेंट को मिला ठीक है तो ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इसी केस के बेसिस पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की जो है वो आया था तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्क रूल के नाम से भी जानते हैं सपोज अगर आपको क्वेश्चन में टर्कुंड रूल के नाम से आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही है ठीक है तो ये तो हो गया हमारा डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस अब कुछ ऐसी एक्सेप्शन हैं कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो वैलिड नहीं होता है मतलब आप उसका प्रोटेक्शन नहीं ले सकते वो कौन कौन सी है देखो सबसे फर्स्ट अब एक्सेप्शन कौन सी है हमारी देर आर सर्टेन केसेज वेयर द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर इन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट अवेलेबल जहां पे आप बेनिफिट नहीं ले सकते डॉक्टर इन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का वो कौन कौन सी है फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ इेगुलरिटी सपोज अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है ठीक है डील करने के लिए आ रहा है और उसे पता है उसे नॉलेज है कंपनी की रेगुलरिटी के बारे में उसे पता है कि कंपनी ने ये चीज नहीं करी होगी फिर भी अगर वो कंपनी के साथ डील करता है तो बाद में वो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकता है देखो वे आर अ पर्सन डीलिंग कंपनी हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेग्यूलैरिटी एज रिगार्ड विद इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिस्पाइट हिज नॉलेज उसकी नॉलेज के बावजूद ही डील विदनी वो कंपनी के साथ डील करता है देन ही इज नॉट इंटाइटल टू क्लेम द प्रोटेक्शन अंडर दिस डॉक्टर तो फिर उसे इस डॉक्टरइन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ये केस से आपको ज्यादा क्लियर होगा देखो केस है हमारा हॉवर्ड वर्सेज पेटेंट आइवरी कंपनी का एक केस है ठीक है इसके ऊपर देखो डायरेक्टर्स ऑफ ए पेट एट डाइवरी कंपनी वर एम्पावर टू बोरोड डॉलर जो डायरेक्टर्स थे किस कंपनी के पेटेंट डाइवरी कंपनी के उनके पास पावर थी कि वो वन थाउजेंड डॉलर तक बोरो कर सकते हैं किसी से भी एंड इफ दे वॉन्ट टू बोरो मोर देन दिस अमाउंट दे शेल हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अगर उनको एक हजार डॉलर से ज्यादा बोरो करने हैं किसी से तो उसके लिए उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा मतलब शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में या फिर उनको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में मिस्टर हॉवर्ड मिस्टर हॉवर्ड कौन थे वो एक डायरेक्टर ही थे कंपनी के ठीक है तो वो खुद ही कंपनी के डायरेक्टर थे तो उनको नॉलेज थी इस चीज की कि अगर कंपनी को ज्यादा लेना है तो उन्हें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो उन्होंने क्या करा कंपनी को लेंट कर दिए कितने थर्टी फाइव हंड्रेड डॉलर टू द कंपनी जो कि बोरोइंग पावर से ज्यादा था मीन्स बोरो कितना कर सकते थे वन थाउजेंड तक ले सकती थी कंपनी बिना परमिशन के शेयर होल्डर्स की लेकिन मिस्टर हॉवर्ड जो खुद डायरेक्टर थे उन्होंने कंपनी को थर्टी फाइव हंड्रेड जो है वो लेंट कर दिए ठीक है विदाउट गेटिंग द रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ वेन द कंपनी रिफ्यूज टू रिफंड द मनी जब कंपनी ने मना कर दिया रिफंड करने के लिए पैसे मिस्टर हॉर्वर्ड ने स्यूट फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट इट वॉज हेल्ड दैट सीन्स यू हेट नोटिस ऑफ इन नोटिस ऑफ इंटरनल इरेग्यूलैरिटी तो ये डिसाइड हुआ कि जो डायरेक्टर थे मिस्टर हॉवर्ड उनको नॉलेज थी कि कंपनी एक हजार से ज्यादा नहीं ले सकती है अगर उसको लेना है तो उसको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी होगी जनरल मीटिंग में तो वो खुद ही एक डायरेक्टर थे तो उनको पता था कि ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई तो अब वो थर्टी फाइव हंड्रेड क्लेम नहीं कर सकते और वो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन का फायदा नहीं ले सकते तो उनको सिर्फ वन थाउजेंड डॉलर तक ही पेमेंट होगी ओके अब आ जाओ हमारी सेकंड एक्सेप्शन क्या है सेकंड एक्सेप्शन है नेग्लिजियंस जब कोई पर्सन थोड़े से एफर्ट के साथ थोड़ा सा एफर्ट अगर कोई करे और अगर वो ये पता लगा सकता है कि कुछ गड़बड़ है फिर भी अगर वो एफर्ट नहीं करता है तो उस केस में भी वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता देखो कैसे वेयर अ पर्सन कुड डिस्कवर द इरेग्युलरिटी विद अ लिटल एफर्ट मीन्स वो इेगुलरिटी को डिस्कवर कर सकता है ढूंढ सकता है लिटल एफर्ट के साथ ऑन इस पार्ट बट नेग्लीजेंटली फेल टू डू सो बट वो नहीं करता है ही शेल नॉट बी इन टाइटल टू द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो उसे उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा अब इसका केस देखो आप केस है इसका अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल का केस है इसके ऊपर ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी वाज द प्रिंसिपल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एक डायरेक्टर था वही कंपनी का एक ही शेयर होल्डर था ही यूज टू डिपॉजिट चेक फेवरिंग द कंपनी इन हिस पर्सनल अकाउंट वो क्या करता था कंपनी के नाम पे जो चेक होते थे वो अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कराता था द बैंक यूज टू क्रेडिट दो चेक इन इज पर्सनल अकाउंट बैंक उसके अकाउंट में चेक को क्रेडिट कर देता था इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द चेक इन द अकाउंट ऑफ ए कंपनी जबकि बैंक को वो चेक जो है वो कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था अब क्या हुआ ए सूट फाइल्ड केस किया गया बैंक के अगेंस्ट बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स ने बैंक के खिलाफ केस कर दिया बैंक ने क्या किया उसने प्रोटेक्शन ले ली डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बैंक ने कहा कि हमें नहीं पता ये तो कंपनी की अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग है तो हमें था कि इन्होंने सब कुछ कराई होगा हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन क्या डिसाइड हुआ इट वॉज हेल्ड दैट बैंक इज नॉट इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर मैनेजमेंट ये डिसाइड हुआ कि बैंक को डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बिकॉज द बैंक कुड हैव डिस्कवर्ड द इरेगुलरिटी बाय लिटल एफर्ट बैंक जो था वो इरेगुलरिटी को डिस्कवर कर सकता था ढूंढ सकता था लिटल एफर्ट के साथ क्यों क्योंकि बैंक ही तो चेक डिपॉजिट कर रहा था ना पर्सनल अकाउंट में तो ये बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो थोड़ा सा एफर्ट करके उनको ये कह सकता था कि ये चेक जो थे वो कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए ना कि पर्सनल अकाउंट में तो उस केस में जो बैंक है वो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता ओके सो नेक्स्ट हमारी एक्सेप्शन है हमारी फोर्जरी फॉर्जरी होता है किसी के नकली साइन करना या धोखाधड़ी करना तो उस केस में भी डॉक्टर मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होता है द डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट ड्लाई वेर पर्सन रिलाईज अपॉन ए डॉक्यूमेंट अगर कोई बंदा फोर्स डॉक्यूमेंट लेके आता है तो उस केसेस पे भी डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है देर फॉर एंड रूल डज नॉट अप्लाई ऑन फॉर्जरी एंड रूल भी बोलते हैं डॉक्टर मैनेजमेंट तो वो रूल अप्लाई नहीं होता है ये भी आपको केस से समझ आएगा देखो ये केस है हमारा रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी का केस है ए शेयर सर्टिफिकेट वॉज फोर्ज बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट को फोर्ज किया गया किसने किया बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बाय फॉर्जिंग द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स एंड इशियो टू मिस्टर रूबेन अंडर द सील ऑफ द कंपनी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर दो डायरेक्टर्स के साइन सेक्रेटरी ने कर दिए नकली साइन कर दिए दो डायरेक्टर्स के और उसने वो शेयर सर्टिफिकेट मिस्टर रूबेन को इशू कर दिया अंडर द सील ऑफ द कंपनी कंपनी की सील भी लगा दी उसने विदाउट अथॉरिटी अगेंस्ट द सम ऑफ मनी लेंट टू द कंपनी ठीक है और उसे और उसने वो जो है वो इश्यू कर दिया सर्टिफिकेट किसको मिस्टर रूबेन को लेटर ऑन कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर द शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने लेटर ऑन क्या करा रिफ्यूज कर दिया मना कर दिया उस शेयर सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने के लिए कि भाई हम इस शेयर सर्टिफिकेट को नहीं मानते मिस्टर रूबेन ने सूट फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर फॉर द डैमेजेस एंड सॉर्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर मैनेजमेंट का कि मुझे नहीं पता कि ये साइन किसके हैं लेकिन मुझे था कि डायरेक्टर्स ने साइन किए होंगे और मेरे को अब मेरी पेमेंट मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर करो आप लेकिन इट वॉज हेल्ड दैट इट इज नॉट इन टू बेनिफिट ऑफ टर्क मीन उसको तो तो ये डिसाइड किया गया तो उसे ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी क्यों बिकॉज दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन फॉर्जरी क्योंकि ये रूल जो है वो फॉर्जरी पे अप्लाई नहीं होता है जहां पे डॉक्यूमेंट फोर्ज होता है किसी के आपने नकली साइन किए होते हैं तो उस केस में भी डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्ट आउटसाइड दिटी अगर कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है मीन्स जिसकी उसे अथॉरिटी नहीं है पावर नहीं है तो उस केस में भी डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है देखो कैसे द डॉक्टराइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई वेयर एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंटर इंटू अक्ट विदर्ड पार्टी विच इज एपरेंटली आउटसाइड हिज अथॉरिटी एंड द कंपनी शेल नॉट बी लाइबल फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट तो अगर कोई ऐसा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जिसकी उसे अथॉरिटी ही नहीं थी पावर ही नहीं थी तो उस केस में भी डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है अब इसका भी एक केस है उससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा तो केस है हमारा आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशाइन कंपनी का केस है आनंद बिहारी लाल परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ दिनशाइन कंपनी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट आनंद बिहारी लाल ने क्या करा उसने दिनशाइन कंपनी कि प्रॉपर्टी खरीदी किससे खरीदी दिनशैन कंपनी के अकाउंटेंट से ही और अकाउंटेंट को हु हैज अपेरेंटली नो अथॉरिटी टू सेल और अब अकाउंटेंट को कोई अथॉरिटी नहीं थी पावर नहीं थी कि वो दिनशैन कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है वेन द कंपनी रिफ्यूज टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी कंपनी ने मना कर दिया कि भाई कोई सेल नहीं हुई है हम अपनी प्रॉपर्टी आपको नहीं देंगे आनंद बिहारी लाल को तो आनंद बिहारी लाल ने क्या करा उसने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द कंपनी कि भाई मैंने तो आपके अकाउंटेंट से आपकी प्रॉपर्टी खरीद ली है अब आपको मुझे देनी ही होगी अपनी सारी प्रॉपर्टी तो उसने क्या करा एंड सॉट द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर इन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का उसने बेनिफिट लिया इट वॉज हेल्ड दैट ही इज नॉट इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो ये डिसाइड किया गया कि वो इस चीज का फायदा नहीं ले सकता है डॉक्टर इन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एज द ट्रांजेक्शन वॉज अपरेंटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ अकाउंटेंट क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन थी वो अकाउंटेंट की अथॉरिटी के बाहर थी मीन्स उसे पावर ही नहीं थी उसे अथॉरिटी ही नहीं थी वो कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है तो उस केस में डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होता है तो आनंद बिहारी लाल को वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं मिली ओके आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक like, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ एक चीज और अगर आप लोगों को कॉमर्स के किसी भी टॉपिक में डाउट है और आप चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए आपको जल्दी ही उस पे वीडियो मिल जाएगी सो so, "Thank you,"